जब 16 दिसंबर को रात को गए थे, उस दिन तो नहीं बोली नहीं गई, सामने आई तो जब मेरे को ले गए उसके पास तो आंखें खोली तो मैंने उसके सिर पे हाथ रखा तो उसकी आंख भर गई लेकिन आंसू बाहर नहीं निकले। और मुझे हाथ से ऐसे की चिंता मत करो, हम ठीक हॉस्पिटल में थी। मुझे उसने कभी ये नहीं जताया कि मुझे बहुत तकलीफ है। On the night of 16th December 2012, a brutal gang rape took place in a moving bus on the streets of Delhi. There cannot be a more horrific incident than that. 72 hours after that brutal rape of a student in Delhi, an angry nation has come together for justice. I mean, I'm sorry to say there is no justice in this country. It was something that shook all of us, sickened us, and led to unprecedented street protests in India. There's an increasing sense of helplessness. देश विदेश से सब लोग रोड पे आ गए, सारी सरकार हिल गई, कानून हिल गया कि नहीं अब लगा कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उतना घिनौना अपराध के बावजूद भी हमारा सिस्टम सबक नहीं लिया। उसके बाद इतनी घटनाएं हुई हैं, पता नहीं कितने परिवार ऐसे घटनाओं से जूझ रहे हैं। ऐसा तो केस हमने देखा ही नहीं कि इतने इंटरनेशनल लेवल का केस हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर 19 महीने से बंद पड़ा है। कोई एक हमारी बेटी की बात नहीं है, ये तो इसको पूरा विश्व जानता है कि ये केस कैसी है, तब भी इसका कुछ नहीं हो रहा है तो आम केस है उनका क्या होना है। मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे केस में हो कहा क्या रहा है, वकील कौन है। कभी मेरे को न हमारे वकील से बात हुई न किसी से बात हुई। जैसे कोई केस 25 साल में फैसला आता है, 10 साल में आता है, 20 साल में आता है, तो अब हमें यहाँ पे डर लगने लगा है कि कहीं हमारी उम्र न ख़त्म हो जाए इस फैसले के इंतज़ार में। जैसे निचली अदालत और हाई कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट है ऐसे केसों के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो कि कम से कम ये जो रेप के केसे हैं, संभावित बलात्कार है, मर्डर है, ऐसे केसों को सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत तक फास्ट ट्रैक हो कि केसों का जल्द से जल्द निपटारा। मेरा संघर्ष कहीं ना कहीं नाकाम हो गया कि 3 साल पे बरसी है बच्ची की और एक उसका दोषी छूट रहा है। क्रिमिनल होते हैं उनको बचाने के लिए हमारे कानून में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन विक्टिम्स के लिए उनको न्याय मिले इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 3 साल में कोई ऐसा कानून नहीं बना कि मुजरिमों को या जुवेनाइलों को कैसे रखा जाए, कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए। न किसी को कानून का डर है, न खब है, सबको यही पता है, जुवेनाइलों को यही पता है कि हमें 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। बड़े हैं उनको भी यही है कि 10 साल 5 साल जेल में रहेंगे हम छूट जाएंगे। जिसका सामने प्रमाण है कि रोज घटनाएँ होती हैं। Thank you.
जब निर्भया फंड बनाया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो उस समय हुआ कि बसों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, पता नहीं जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। कागज़ में तो हो गया, लेकिन वो आमने सामने नहीं दिखता है कि वो कहाँ है, ना तो कोई लैब की व्यवस्था अभी तक है। तो हम तो हमारी मांग भी है कि निर्भया फंड से, निर्भया के नाम से दिल्ली में एक अति आधुनिक लैब का निर्माण किया जाए, जिससे कि विक्टिम्स को मतलब न्याय दिलाने में सुविधा हो। आज हमारे घर में, आज हमारी बच्ची रहती तो 27 साल की हो जाती, घर में एक डॉक्टर होता। कैसे भूल जाऊं कि नहीं, चलो जो हो गया हो गया, नहीं मुझे तो इंसाफ चाहिए। हमारा क्या कसूर था? एक बेटी पैदा करना हमारा कसूर था कि हम भुगत रहे हैं दर दर जा करके? सबके मन में एक चिंता बना हुआ है, सब लोग डरे हुए हैं। अगर नहीं डरा कोई तो हमारी सरकार नहीं अभी तक डरी है। मैं इसलिए अपने आप को तैयार करती हूँ, हर रोज टूटती हूँ, हर रोज तैयार करती हूँ कि हमारे जैसे कोई और खड़ा हो जाए, उसको देख के कोई और खड़ा हो जाए और इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाए, तो हमें ना सही, कम से कम हमारे बच्चों को तो अच्छा माहौल मिलेगा, हमारे बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए इस ये आवाज़ को उठाना जरूरी है, इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। अकेला मैं नहीं, आज समाज मेरे साथ है। ऐसा नहीं है अकेला तब होता जब हमारे साथ समाज खड़ा नहीं हुआ होता। जितने भी हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, चाहे हमारे केस से पहले चाहे बाद में, उन सबको इंसाफ मिले। और जब तक नहीं इंसाफ मिलेगा मुझे, मैं हर संभव कोशिश करूंगी और जब तक शरीर में जान रहेगी मैं लड़ती रहूँगी।